नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24x के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ पहले का इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपको साउथ यानी दक्षिणी भारत के इतिहास से संबंधित कुछ निर्माण और उनके इतिहास के बारे में हमें प्रश्न मिलेगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, तो इसका देख लेते हैं। पहला है एलोरा, जो कि गलत है। एलोरा शकों के द्वारा नहीं, या राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित एक टेम्पल है, कह सकते हैं कुटों के द्वारा। और यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मैं महाराष्ट्र का शॉर्ट में MH लिख देता हूँ। महाबलीपुरम, यह राष्ट्रकूट लिखा है, गलत है। यह पल्लवों के द्वारा स्थित है, पल्लवों के द्वारा। और यह है तमिलनाडु में, TM लिख देता हूँ। उसके बाद मीनाक्षी देवी मंदिर, जो कि एक पांडवों के द्वारा स्थित मंदिर है, पांडे राजवंशों के द्वारा स्थित है, और यह तमिलनाडु में स्थित है। खजुराहो, जो कि एक सही है, यह खजुराहो जो है हिंदू और जैन मंदिरों के द्वारा एक निर्मित स्मारक का एक समूह है, और यह जो है चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित छतरपुर में, यानी MP छतरपुर MP में स्थित एक मंदिर है। तो इसका सही आंसर हो गया खजुराहो। बाकी जो स्थान गलत दे रखा था उसका हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने जीच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया, जिसे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सके? इसका आंसर है सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है जयपुर में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यह राणा प्रताप से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्ध भूमि का सही राज्य के साथ मिलान नहीं है, यानी गलत है उसका मिलान, देख लेते हैं। हल्दी घाटी तो राजस्थान में ही है, सही है। बक्सर बिहार में है, ये भी सही है। पलासी सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल में है। अंग्रेजों द्वारा पहला जो जगह जो है पलासी का युद्ध ही लड़ा गया था। उसके बाद है पानीपत, ये पंजाब नहीं, ये हरियाणा होगा, HR में लिख देता हूँ। तो यह इसका सुमेलित नहीं है, यानी ये सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर है, यह इनका जो उद्देश्य था, उन्होंने प्रज्ञा को तीर्थराज नाम दिया था, यह इनका जो है यह सही नहीं है। बाकी इनका जो अन्य तीन जो है वो सही है, आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर है, पर ये तीनों जो है वो सही है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया, यह सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तरण पर रोक लगाई थी, यह भी सही है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, यह भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेदशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाए थे? तो यह आप लोग को आंसर पता होना चाहिए, सवाई जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दतियाना में। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कुट की सहायता से ढूंढें। तो इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले अहिल्याबाई के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम अहिल्याबाई होलकर थी, और यह 1725 में जन्मी, 1725 में जन्मी, और इन्होंने 1737 से 1795 तक मराठा संघ के इंदौर की रानी थी। यह मराठा संघ की इंदौर की रानी थी। स्पेस कम होने के कारण मैं लिखूंगा नहीं, बाकी आप लोग को मैं सुना रहा हूं, वो आप देखें। तो इनका ड्यूरेशन हो गया ये आपका 1737 से 95। नेक्स्ट है दुर्गावती के बारे में जान लेते हैं। दुर्गावती यह गोंडवाना की रानी थी, और यह 1524 में जन्मी और 1550 से 1564 तक शासक के रूप में कार्य किया इन्होंने, इनका देख लेते हैं। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर का लिख लेते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। 1737 से 1795 का इनका ड्यूरेशन है शासिका के रूप में कार्य करने का। पद्मिनी यानी पद्मावत, जिनके ऊपर कहानी बनी है, और मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया, यह नायिका के रूप में कार्य करती हैं इसमें। यह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी, चित्तौड़ की राजा रतन सिंह
की पत्नी थी और यह इन्हें पद्मावत भी इनका ऊपर लिखी गई कविता है जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। और जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पद्मावत को मतलब राजा रतन सिंह जी को दिल्ली में कैद बना लिया जाता है तो महिला शासिका के रूप में वह 1302 से 1303 में वहाँ आप ये शासक करती है। तो इनका ड्यूरेशन हो गया 1302 से 3 तक। नेक्स्ट है ताराबाई, जिनको ताराबाई भोसले भी बोलते हैं। इनके पति का नाम राजा राम महाराज की यह पत्नी थी। साथ ही इनका जन्म 1675 में जन्मी और 1761 तक यह जीवित रही थी। इसके बीच में इन्होंने 1700 से 1708 में 8 तक इन्होंने एक संरक्षिका के रूप में शासक के रूप में भी कार्य किया था। हम ड्यूरेशन देख लेते हैं। पहला आ जाएगा इसमें, पहला आपका ड्यूरेशन देख लीजिए इसमें, पहला है सबसे पहले का ड्यूरेशन है आपकी चित्तौड़ की रानी यानी पद्मावत की, यानी तीन हो गया। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 3-2, उसके बाद 3-2-4-1, 3-2-4-1 इसका आंसर देख लेते हैं। 3-2-4-1 सही है, बी आंसर। नेक्स्ट है इसका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, यानी इसमें गलत कौन सा है। एलिफेंटा की गुफा, यह एक गुफा है, सही है एलिफेंटा। श्रवण बेलगोला में एक मूर्ति है, यह भी सही है, और गौतम बुद्ध की। उसके बाद खजुराहो का एक मंदिर है, यह भी सही है। और सांची का किला नहीं, गलत है, यह अस्तूप है वहाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 12, बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जाने जाने वाले व्यक्ति कौन है, भास्कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो इसका आप लोग जानते होंगे, सरस्वती जी का जो है हम लोग प्रार्थना गाते थे, माँ शारदे कहाँ तुम वीणा बजा रही हो, तो यह वीणा इससे रिलेटेड है, तो वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित चार बाहरी आक्रमणकारियों को कालक्रमानुसार नीचे खुद से सही उत्तर ढूंढकर लिखना है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली, इनका जो था आक्रमण करने का 1757 में था इनका 23 जनवरी। उसके बाद चंगेज खां 1221। उसके बाद नादिर शाह का है 1739। और तैमूर लंग आपको पता होगा 1398। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पहला, हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा आपका 4-2-4, उसके बाद हो जाएगा आपका 3-1, इसका आंसर हो गया 2-4-3-1, सी आंसर। नेक्स्ट है कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के राज्यपाल के तौर पर हुआ था, तो इसका सही आंसर है अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसका भी हमें बताना है, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो शिशुपालगढ़ उड़ीसा यह सही है, पीपरहवा उत्तर प्रदेश ये भी सही है, गोलपाड़ा असम ये भी सही है, विष्णुपुर नागालैंड नहीं होगा, वेस्ट बंगाल है, और यह जो है आपका एक जगह है, इसका नाम है बांकुड़ा, यह एक डिस्ट्रिक्ट है, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में यह विष्णुपुर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को बताएं। पहला है दक्षिणी भारत के इच्छवाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, दूसरा पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो ये दोनों कथने सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को बताएं। हिंदू देवी देवता तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में
रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई भारत पहला दूसरा है भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो थे। तो इसका सही आंसर है, दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका गलत नेगेटिव क्वेश्चन कौन सा है, तो देख लेते हैं इसका। यह नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव देख लें, नेगेटिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही चीज़ पढ़ें आप। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की, सही है। अंबेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। मैसूर में सुल्तान टिप्पू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, इनका ड्यूरेशन के हिसाब से इनको बताना है। दूसरा है कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत का आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु, इसकी सही क्रम बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो पहला चलते हैं विजयनगर के कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वह ड्यूरेशन है आपका 1509 से 1529, यहाँ दे देते हैं 1509 से 29। उसके बाद चंगेज खां, सॉरी ये क्या नाम है इनका, कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 से 4 साल यानी कि 97 तक चला। उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन, तो आगमन तो आपको पता है 1498 में हुआ था, कल के सेशन में हमने बताया था। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक की मृत्यु, तो फिरोज तुगलक की जो मृत्यु हुई थी उनका है 1388 में फिरोज तुगलक 1309 में जन्मे और इन्होंने शासन के रूप में 1351 पे गद्दी बैठा और 88 तक रहा था। तो हम ड्यूरेशन के हिसाब से इनको हम देख लेते हैं क्रम में कौन पहले आएगा। तो पहला क्रम में हो जाएगा आपका 1193 से, यानी कि ये हो जाएगा आपका कुतुब मीनार का निर्माण पहला, दो। नेक्स्ट है दो के बाद, इसके बाद आ गया आपका दो के बाद आ गया ये फिरोज तुगलक का, यानी कि दो के बाद आपका चार। उसके बाद हो गया पुर्तगालियों का भारत आगमन यानी कि तीन। उसके बाद बच गया एक, यानी दो चार तीन एक एक आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ये भी निगेटिव क्वेश्चन है। तो इसका है इक्ता दिल्ली की सुल्तान को कहा जाता है, देखिए इसका जागीर मुगल में, अमरम विजयनगर में, मोकासा सौराष्ट्र में, तो इसका सब सही है, सौराष्ट्र का गलत है मोकासा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हालांकि ये कोलकाता का एक व्यापारिक केंद्र है, सौराष्ट्र में नहीं है, ये कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सही काल क्रमानुसार रूप में इसका निर्माण हुआ है, इसके बारे में बताना है। जैसे तुगलकाबाद किला का निर्माण मैं यहाँ लिख देता हूँ 1321 में। लोधी गार्डन, देखिए लोधी जो है गार्डन मोहम्मद शाह जो शासक था उसके मतलब मृत्यु के बाद यानी 1444 में उसकी मृत्यु हुई थी, यह उसका ही बनाया द्वारा मकबरा है, उसके ही याद में बनाया गया मकबरा है। लेकिन जो दिल्ली में इसका जो उद्घाटन किया गया था वो 1336 में किया गया है, पर आप ये जान लीजिए इसका ड्यूरेशन 14वीं सदी के आसपास में की गई थी। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण मैंने अभी बताया था वीडियो में 1193 से 97 के मध्य हुआ था। फतेहपुर सिकरी यह हुआ था 1571 में, तो इसका सही ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, क्रम देख लेते हैं। पहला हो गया आपका तुगलकाबाद,
नहीं, पहला हो गया आपका कुतुब मीनार, पहला हो गया आपका कुतुब मीनार तीन, फिर हो गया तुगलकाबाद एक, फिर उसके बाद हो गया दो लोधी गार्डन, फिर हो गया आपका चार, यानी इसका सही क्रम है तीन एक दो चार, तीन एक दो चार बी आंसर है। देखिए इसका नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध है आपका 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1739। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की हत्या कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1686। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र यानी चार्ट प्रदान किया जाना कब प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर है 1600 ईस्वी में जो चार्ट प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1556 में। नेक्स्ट है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतियों के निम्नलिखित युगों में कौन सही है, तो इसका पहला ए आंसर सही है सरला दास, बंगाली बंगाली भाषा ने सरला दास ने लिखा है। नेक्स्ट है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, तो इसका परिणाम सबको पता है, भारत में मुगल शासक के जो है आने लगे, प्रवेश कर गए भारत में, मुगलों के मुगल इंटर कर गए थे। नेक्स्ट है, तराइन की द्वितीय लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, तो इसका आंसर है भारत में तुर्की शासक इंटर कर गए थे। नेक्स्ट है, तालीकोटा की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, तो इसका आंसर है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इस सेशन में देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ये सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, ये टॉप क्लास के एमसीक्यू है, आपके लिए स्पेशल तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई का परिणाम हुआ, इसका भी देखिए आंसर, भारत में ब्रिटिश शासक का एंट्री हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, यानी जो सही है उसका बताना है, तो इसका देखिए, इसका अमरावती बौद्ध स्तूप है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये हालांकि आपको पता होगा, ये जो विक्रमशिला मठ है उसके बारे में जान लेते हैं, विक्रमशिला मठ ये सब कहाँ है, तो विक्रमशिला मठ जो है वो आपका भागलपुर बिहार में है, भागलपुर बिहार, बिहार में बिहार लिख देता हूँ, बिहार, हेमकुंड गुरु द्वारा यह जो है उत्तर प्रदेश के चमोली में स्थित है, चमोली, चमोली में स्थित उत्तर प्रदेश में यानी यूपी, सॉरी उत्तराखंड, यू के उत्तराखंड में स्थित है चमोली में। उदयगिरी गुफा, उदयगिरी गुफा जो है महाराष्ट्र में नहीं, यह एमपी में है, विदिशा में, विदिशा एमपी, मध्य प्रदेश एमपी, और बाकी ये तो सही है ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, 34 सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका देख लेते हैं, कोणार्क सूर्यदेव मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 35 अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी स्मारक किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद आगरा यानी आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह शाहजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद दिल्ली में किसके द्वारा बनाया गया, तो यह है औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो इसका आंसर है जैनक डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, नगर द्रविड़ और बेसर यह क्या है, तो यह आपको सीधा बता देते हैं, यह तीनों के तीनों एक मंदिर निर्माण करने की एक शैली है, यानी कि भारत में जो मंदिर बनाने की जो शैली है उसमें यह शैली तीनों है, मंदिर वस्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं। तो धन्यवाद, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपसे फिर से बता देना चाहता हूँ कि यह सेशन काफ़ी सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी जो है आप इस वीडियो को देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये थोड़ा हमारी जो मेहनत है वो थोड़ा डाउन पड़ जाता है, इसलिए मैं वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं ला रहा था बीच में,
बाकी फिर कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।